हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जना बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनन्दन ब्रज जन रंजन, जमुनातीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपाद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है आज के हमारे शनिवार भगवद गीता क्लास में। विशेष करके जो हमारे इस्कॉन औरंगाबाद के भक्त हैं उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म, या अन्यथा इस अध्याय का शीर्षक कर्म संन्यास योग या कर्म वैराग्य योग ऐसा भी लिया जाता है। आज हम श्लोक क्रमांक 22 पर चर्चा कर रहे हैं। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुखयो नयेवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुखयो नयेवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये हि संस्पर्श जा भोगा दुखयो नयेवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो इसका अनुवाद है, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं यह कहकर तो वह दुख की अनुभूति करता है। ऐसा सुख का स्वरूप कैसा होता है? अक्षयम्। अक्षय मतलब असीम सुख, कभी नष्ट ना होने वाला सुख, कभी अंत ना होने वाला सुख, नित्य सुख। और ऐसा व्यक्ति तभी कर पाएगा जब वह अपने इंद्रियों को संयमित रखेगा और इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होगा। तो अब भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं व्यक्ति ऐसे बाह्य सुख में भाग क्यों नहीं लेता है? ठीक है, बात कह दी गई है कि इंद्रिय सुख को त्यागते हुए व्यक्ति अपने अंतःकरण में जहां परमात्मा स्थित हैं
उनसे संबंध जोड़ लेता है और सुखी रहता है, नित्य सुख को प्राप्त करता है। तो जो बाह्य सुख है उसे व्यक्ति क्यों त्यागे, उचित प्रश्न है ना। सुख तो सुख होता है, तो अगर इंद्रियों से भी सुख प्राप्त हो रहा है और सुख प्राप्ति ही लक्ष्य है, तो क्यों ना व्यक्ति जो है इंद्रिय सुख का भी आनंद ले ले, क्या समस्या है उसमें कि इंद्रिय सुख भी प्राप्त कर ले और अंतःकरण का भी सुख प्राप्त कर ले। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उससे पूछा जाए कि बेटा क्या खाओगे, मिठाई में क्या खाओगे आप, रसगुल्ला खाओगे कि चमचम खाओगे, तो बच्चा बोलता दोनों, मिठाई भी खाएंगे और चमचम भी खाएंगे। अरे वाह, तो हमारा मन जो है इस प्रकार से विचार करने पर मजबूर हो जाता है। कि सुख तो सुख ही है ना, अब इंद्रिय सुख के बारे में भी कहा गया है कि वो सुख है, तो समस्या क्या है। और जब तक इंद्रियां हैं, क्यों ना इंद्रियों का प्रयोग कर लिया जाए, जब ये शरीर भी भगवान ने ही प्रदान किया है और शरीर की जो इंद्रियां हैं वह भी भगवान ने ही प्रदान की है, तो क्यों नहीं उससे सुख प्राप्त कर ली जाए। और दूसरी चीज, तो एक तो यह बात हो गई कि समस्या क्या है, और एक शंका मन में जो उठ सकती है, शंका यह है कि अगर अंतःकरण का जो सुख है, जो आत्मन का सुख है, जो मन पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है और पूरी तरह से व्यक्ति भगवान के स्मरण करने में मग्न हो जाता है, तो उसे उस व्यक्ति को भौतिक सुख त्यागनी पड़ती है। तो सुख त्यागना क्या ये उचित है? क्योंकि अगर हम सुखी होने का ही प्रयास कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति मोक्षार्थी है, मुक्ति चाहता है, वह सांसारिक सुख को त्याग देता है। तो ये
ये थोड़ा विरोधात्मक नहीं है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप सुख त्याग दो जबकि आप सुखी होना चाहते हो? तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर थोड़ा विरोधाभास है। तर्क करते हैं लोग कि आप मोक्ष क्यों प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि आप सुखी होना चाहते हो। अच्छा, जब सुखी होना चाहते हो तो सुखी होने के लिए आपको किस चीज की अनुभूति करनी पड़ेगी? सुख की अनुभूति करनी पड़ेगी। तो सुख की अनुभूति जब हो रही है संसार में, तो फिर उसे त्याग क्यों रहे हो? है ना? मतलब इतना सुंदर तर्क है ये कि सुख त्यागने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को सुख की खोज नहीं करनी चाहिए, आनंद की खोज नहीं करनी चाहिए। अगर आनंद की खोज में व्यक्ति मोक्ष अभिलाषी होता है तो फिर जो आनंद उसे मिल रहा है उसे क्यों त्यागे? क्योंकि इंद्रिय सुख कहा गया है ना, इस संसार का सुख कहा गया है। तो ये दोनों ही दृष्टिकोण जो है बड़े ही विचारात्मक हैं। एक, जब इंद्रियां प्राप्त हैं और इंद्रियों से सुख मिल रहा है तो उस सुख को व्यक्ति ने अनुभव कर लेना चाहिए, उसकी उस सुख का लाभ लेना चाहिए व्यक्ति ने। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कोई दुखी तो नहीं होना चाहता। जब सुख मिल रहा है तो क्यों ना सुख का लाभ ले लें। यह एक तर्क है। और दूसरा तर्क है कि मोक्ष के लिए जो अभिलाषी व्यक्ति होता है, मोक्षार्थी जो व्यक्ति होता है, मोक्षाभिलाषी जो व्यक्ति होता है, वो इंद्रियों का सुख त्याग देता है संसार में। तो जब व्यक्ति सुख त्यागता है सुख प्राप्त करने के लिए, तो क्या उसमें विरोधाभास नहीं है? तो कभी कभी उत्तर दिया जाएगा कि नहीं, जो ऊंचा सुख है उसके लिए गौण सुख त्यागना योग्य माना गया है। तो फिर व्यक्ति विचार कर सकता है कि क्यों ना दोनों ही सुख मिले। प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर व्यक्ति क्यों ना प्रयास करे, निवृत्ति मार्ग पर क्यों व्यक्ति चले? कितना सुख भोग लो कि एक समय मन भर जाए सुख से। इतना इंद्रिय सुख प्राप्त कर लो कि मन भर जाए ऐसे सुख से। प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग है कि नहीं, इंद्रिय सुख को त्याग देना चाहिए। अब बताइए, बहुत सुंदर है ना यह विश्लेषण? फिर से दो यहां पर तर्क के विषय हैं जो शंका के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। पहली शंका है
कि इंद्रियों का सुख सुख ही है ना। तो जब व्यक्ति सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तो क्यों ना इंद्रियों का सुख भी प्राप्त कर ले, उसके बाद अंतःकरण का भी सुख प्राप्त कर लेगा। तो इंद्रिय सुख थोड़ी त्यागना चाहिए। और दूसरी बात है कि सुख प्राप्त करना ही व्यक्ति की अभिलाषा है, तो जो व्यक्ति मोक्षार्थी होता है, या जहां पर कहा जाता है कि मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, तो उसके लिए फिर सुख त्यागने की आवश्यकता है। तो अगर आप सुख को त्याग रहे हो तो फिर सुखी कैसे हो सकते हो? जो आप बनना चाहते हो उसी को अगर त्याग रहे हो तो सुखी कैसे होगे? तो विरोधाभास लग रहा है। तो ऐसे क्योंकि शंकाएं मन में उत्पन्न हो सकती हैं, तो यहां पर भगवान उन शंकाओं का निवारण कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? ये ही संस्पर्श जा भोगा, जो भी सुख हमें इंद्रियों के प्रयोग करने से प्राप्त हो रहे हैं। संस्पर्श जा का अर्थ होता है जब इंद्रियां, जो इंद्रियों के विषय हैं, उससे संपर्क कर लेते हैं, उसे स्पर्श कर लेते हैं, उसे छू लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे आंख कोई सुंदर दृश्य देखता है और आंख जो है उस दृश्य को हटने नहीं देना चाहता है। सोचिए आप कहीं किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप ट्रेन के भीतर बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, खिड़की में से आपको कोई सुंदर दृश्य देखता है, तो कभी कभी लोग जो हैं गला बिल्कुल गर्दन मोड़ कर, मतलब जितना मोड़ सके गर्दन मोड़ कर, तब तक दृश्य देखना चाहते हैं जब तक कि आंखों से ओझल ना हो जाए, जब तक कि ट्रेन इतने आगे ना निकल जाए कि अब खिड़की में से वो देखना मुश्किल हो जाए। तो इसे कहते हैं संस्पर्शजा। फिर बाद में आदमी कहता है ओहो हो गर्दन में लचक आ गई। कभी कभी गर्दन में लचक होती है फिर भी व्यक्ति जो है प्रयास करता है जितना हो सके उतना गर्दन मोड़ते हुए वह दृश्य देखे। आपने कभी अनुभूति की है? कि आप वहां पर रुक नहीं पा रहे हैं। कभी कभी लोग जो हैं अपनी गाड़ी से ना, अपनी स्वयं की गाड़ी होती है उसका, उसे रोक कर फिर मन भर के वो दृश्य देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और जाते जाते मन में यही चिंता होती कि फिर कभी आना चाहिए। पूछ लेते हैं कि अरे उसका पिक्चर ले लिया ना, फोटो ले लिया ना, बाद में बैठकर उसका मेमोरीज बनाएंगे हम, स्मरण करेंगे उसका। तो संस्पर्शजा का अर्थ होता है इंद्रियों द्वारा, जब आप इंद्रियों के जो विषय होते हैं उसको आप छूते हो, तो होता क्या है? क्योंकि भगवान इस सृष्टि के कर्ता हैं, तो इस सृष्टि के हर एक पहलू से भगवान जो है अच्छी तरह से वाकिफ है। भगवान को पूरी जानकारी है, हर एक पहलू जो है सृष्टि का उसकी जानकारी भगवान रखते हैं।
और क्योंकि भगवान के पास पूरी जानकारी है, इसलिए कहते हैं यह जो संस्पर्शजा भोगा, जिसे हम सुख समझ रहे हैं, वास्तव में वह हमारी तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ है हमारी प्यास, हम उसको नाम दे देते हैं सुख, लेकिन करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आंखों से, अपने नेत्रों से उस दृश्य को पूरी तरह से हम पी लें, मतलब घोल घोल कर उसको पी लें, कि वो दृश्य जो है उसको पूरा निचोड़ लें, है ना। कभी कभी व्यक्ति बड़ा ही रमणीय दृश्य देखता है तो कहता है हाय मन नहीं कर रहा है यहां से जाने का, बस देखते रहें देखते रहें देखते रहें। कभी कभी कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे करते भी हैं, बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं वहीं पर, देखते रहते हैं देखते रहते हैं देखते रहते हैं, मन भरता ही नहीं है, और फिर अंधेरा छा जाता है, सूर्यास्त के उपरांत अंधेरा। वो तो वहीं पर बैठे रहे लेकिन अब दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आदमी सोचता है तो कब ये रात जो है, कितनी लंबी रात है, कब ये समाप्त तो होगी रात्रि, कब सवेरा होगा और फिर से वही दृश्य देखेंगे। दूसरे दिन सवेरा होता है लेकिन आकाश में अगर बादल लगे हुए हों तो वही दृश्य थोड़ा सा अलग दिखता है। चाहे इतना आकर्षणीय ना दिखे या फिर उसका अलग स्वरूप दिखाई देता है, फिर मन में विचार उठता है कि कल का दृश्य ज्यादा सुंदर था या आज का दृश्य ज्यादा सुंदर है। अरे कल का दृश्य था, काश उसको हम रोक कर रख सकते क्योंकि वो भी बहुत सुंदर था। आज जो दृश्य दृश्य है वो भी इतना सुंदर है, काश इसको फ्रेम कर लेते हम। तो फोटो लेते रहता है इसी प्रयास में कि समय के प्रभाव को तो रोक नहीं सकते लेकिन फोटो खींचकर मेमोरीज बना लेंगे। तो ये ही संस्पर्शजा भोगा, व्यक्ति जो है भोग, भोग का अर्थ होता है आनंद की कोई स्थिति हमें ऐसे प्राप्त हो जाए जहां पर हमको कष्ट ना करना पड़े, उसे कहते हैं भोगा। मतलब कोई और तैयारी कर कर लेकर आए, बना बना कर लाए और फिर हम उसे ग्रहण करना चाहें। तो बादल काम करें या सूर्य किरणों का जो है कष्ट हो, या शीतल चंद्रमा या नक्षत्रों के धीमे धीमे जो प्रकाश है उसमें दृश्य सुंदर दिखे, भगवान ने जो वादियां दी हैं, पहाड़ दिए हैं, या जिस प्रकार के पुष्प वाटिकाएं भगवान ने पुष्पों से भर दी हैं, वह सब कष्ट कोई और करे, हम क्या करेंगे? उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं भोगा। हम खाली भोगना चाहते हैं उसे, कि काम कोई और करे, तैयारी कोई और कर कर दे दे हमें, हम तो खाली सुख लेना चाहते हैं, तो उसे कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगा। दुख यो नय एवते, जो हम तर्क कर रहे थे ना,
आज क्लास के शुरुआत में जो तर्क की जा रही थी, तर्क क्या थी? कि अगर इंद्रियों से कुछ सुख मिल रहा है और सुख प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, तो क्यों ना इंद्रियों का सुख जो है भोग लिया जाए। और दूसरा तर्क यह था कि अगर मोक्ष प्राप्ति में इंद्रियों के सुखों को त्यागना है, तो सुख त्याग और सुख प्राप्ति, क्या यह विरोधाभास नहीं है? तो यहां पर जो सुख की कल्पना है या सुख का जो अस्तित्व है संसार में, उस अस्तित्व का पर्दाफाश करने भगवान, वो कहते हैं संसार में जो भी इंद्रियों के स्पर्श से सुख उत्पन्न होता है वो दुख योनि एव ते, वास्तव में दुख का कारण है। दुख योनि मतलब मानो जैसे ऐसे सारी परिस्थितियां जो हैं वो हमें दुख के गर्भ में स्थित कर देती हैं, है ना? जैसे गर्भस्थ हो जाता ना, जो गर्भस्थ अवस्था में शिशु होता है पूरी तरह से गर्भ के कारण पूरी तरह से गर्भ में वो सीमित है, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो व्यक्ति अधीन है, गर्भ के अधीन है। और गर्भस्थ अवस्था में व्यक्ति जो है काफी दुखी नहीं कहेंगे, क्योंकि दुखी तो होता ही है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि स्पेस बहुत लिमिटेड है उसके लिए वहां पर, मतलब उसकी उसकी बहुत ही सीमित कार्य क्षेत्र है। तो इस प्रकार से सीमित कार्य क्षेत्र के होने के कारण व्यक्ति को बहुत अजीब लगता है, बहुत ही वो थोड़ा सा संकोच संकोच रहता है उसके मन में या उसके अस्तित्व में, एक संकोच होता है, बड़ा ही अनकंफर्टेबल होता है व्यक्ति गर्भस्थ अवस्था में। तो दुख योन है, सोचिए अगर ऐसे गर्भ में हमें स्थित कर दिया जाए जहां से दुख जन्म लेने वाला है, मतलब दुख का गर्भ, दुख यौन है एवते। तो जितना भी प्रयास इस संसार में किया जाता है सुखी होने का, क्योंकि वह प्रयास इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है, वो सारा प्रयास जो है दुख के गर्भ में हमें स्थित कर देता है। अर्थात गर्भ के अवस्था में भी हम जो हैं बहुत हमें संकोच हो रहा है, हम बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं, और साथ ही साथ समय समय पर हमें इस दुख की फैक्ट्री से दुख प्राप्त होते रहेगा। मानो जैसे कि दुख के फ्री कूपन्स मिल गए हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई और कूपन नहीं है, जब भी उस कूपन का प्रयोग करो दुख मिलते रहता है। दुख यो नये वते, यो नया योनि है दुख का, जहां से दुख समय समय पर व्यक्त होते रहता है। तो सुख की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर यह परिभाषा भगवान की हम मानते हैं तो यह सारा तर्क जो है विफल हो जाता है। तो फिर इंद्रिय सुख को इंद्रिय क्यों, इसको सुख क्यों कहा गया है, उसकी भी चर्चा की जाएगी। अगर दुख योनि, उससे दुख ही प्रकट होने वाला है, या ऐसा जो सुख है वह हमें दुख के गर्भ में स्थित कर देता है,
तो फिर उसे सुख क्यों कहा गया है, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कुछ समय में, थोड़ी देरी में इस पर भी चर्चा करेंगे, इसका भी विश्लेषण भगवान करते हैं। अच्छा ठीक है, ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो इंद्रियों के सुख, इंद्रियों द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, जो इंद्रिय सुख होती, इंद्रिय सुख जो होती है, वो सिर्फ दुख का कारण है। तो दुख उसके पश्चात ना आएगा। चलिए पहली बात मान लिए कि इंद्रियों से जो सुख उत्पन्न होता है वास्तव में दुख का कारण है, तो क्यों व्यक्ति उस सुख को प्राप्त करने का प्रयास करे? पहला जो तर्क था वह तर्क को भगवान के इस विश्लेषण ने काट दिया। अब दूसरा तर्क क्या था? जो मोक्षाभिलाषी व्यक्ति होता है, अगर वह सुख को त्यागता है तो सुख त्याग और सुख प्राप्ति ये विरोधाभास नहीं है? नहीं, विरोधाभास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जिसे आप सुख प्राप्ति, जिसे आप सुख कहते हो, वो दुख का कारण है। तो जो सुख कहा गया अगर वो दुख का कारण है, तो मिल तो आपको अंत तो गत्वा जो है, अंत में तो आपको दुख ही मिल रहा है ना। तो इसलिए जो मोक्ष का अभिलाषी व्यक्ति होता है वो इस इंद्रिय सुख को त्यागता है, और क्योंकि वो त्याग रहा है इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जिस तत्व को वो त्याग रहा है वह है दुख का कारण। जो दुख का कारण है उसे त्याग रहा है, ना कि मात्र इंद्रिय सुख। तो दुख के कारण को त्यागने के कारण विरोधाभास नहीं है। दुख के कारण को या जहां से दुख की उत्पत्ति होती है अगर उसे त्याग दिया, तो ऐसे दुख की उत्पत्ति का जो स्रोत है वह त्यागना और सुख प्राप्ति करना जो हमारा लक्ष्य है, ये दोनों ही एक दूसरे को सहयोग देंगे। तो एक की वजह से दूसरे की प्राप्ति होती है, इसलिए कोई विरोधाभास नहीं है। मोक्षार्थी व्यक्ति जो है वह दुख के जो स्रोत हैं उससे मुक्त होना चाहता है। और दुख का स्रोत क्या है? इंद्रिय सुख। तो ये दोनों तर्क जो है वो कट गए। अब और एक तर्क उत्पन्न होता है, अगर वह दुख का कारण है तो पहले तो सुख होगा ना, फिर उसके बाद दुख प्राप्ति होगी। तो मतलब देखिए ना, कभी कभी आदमी कितना लालची हो जाता है, लालच। लालच हमें इसी प्रकार से व्यवहार करने पर मजबूर कर देती है ना। लालच जब लालची व्यक्ति होता है, सोचो एक लालची व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपए हैं, खर्चा नहीं करना चाहता, लालची भी है और साथ ही साथ लालच की वजह से कंजूस हो गया, तो जहां जहां जाता है कोई अच्छा कपड़ा देखता है, सोचे अच्छा जैकेट देखता है, तो उसको स्पर्श कर कर ही वो सुखी होना चाहता है, क्योंकि पैसा खर्चा नहीं करना है उसने, छू कर कि हाँ स्पर्श कर लिया, ये बहुत मुलायम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है स्पर्श को, खरीद लो फिर। ना ना, खरीदना नहीं है, लालच।
किसकी किस चीज का लालच है उसे? धन का लालच है। हाँ, वही अगर कोई मुफ्त में उसे दे दे तो तुरंत ले लेगा। धन का लालच है जिसकी वजह से जो उसके पास धन है वो बचा के रखना चाहता है, तो कंजूस भी हो जाता है। अच्छा, लालच का एक दूसरा भी दूसरे प्रसंग के प्रासंगिक उदाहरण देकर समझने का प्रयास करेंगे। लालच, ये सोचिए, लालची व्यक्ति है, उसे आम मिल गया, बड़ा ही आम का जो है प्रेमी व्यक्ति है, लेकिन लालची बहुत है। ये बहुत लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। दूसरा उदाहरण, श्रीखंड की डब्बी आती है ना, या चाट चाट की डब्बी आती है, या आजकल जो है लोग बहुत खाते हैं ना वो लेज लेज चिप्स, आलू के जो चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स। तो लालची व्यक्ति क्या करता है, जब पूरे चिप्स खत्म हो जाते हैं तो उंगली जो है अंदर, वो जो पैकेट होता है उसके अंदर उंगली घुमाकर जितना नमक मिर्ची जो भी मसाला था उस चिप्स का जो उस पैकेट के भीतर लगा हुआ है, अपने उंगली से उसे समेट लेता है और चाटना चाहता है। चाट की ना, चाट पैक करके आया हो, अगर आपने कहीं पर ठेले से लिया हो तो कागज में पैकेज पैकेज होकर आता है, अगर आप किसी दुकान में गए हो तो डिबिया में पैक करके देते, चाट, नाम भी चाट है, तो आप समझिए क्या होंगे, लालच। अगर जीभ को बहुत स्वाद आ गया है ना, तो कागज के पैकेट में पूरा आप वो जो चाट है कागज में जो दिया गया है वो खत्म करने के बाद ऐसा लगता है कि कागज भी चाट लो। कुछ लोग करते भी हैं, कागज भी चाटते हैं जीभ से, या डब्बे में भर कर आया हो तो जैसे डब्बे का ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन को भी चाट लेते हैं, फिर डब्बे को भी चाट लेते हैं। लालच, श्रीखंड के डिबिया ऐसे ही हो, तो डिबिया खोलते हुए ऊपर जो ढक्कन में अंदर से श्रीखंड लगा हो तो उंगली से पहले उसको पूरी तरह से निकाल लेता है व्यक्ति, फिर भी लगता है कि नहीं थोड़ा इसमें श्रीखंड चिपका हुआ है, जो चाटने का, जब तक प्लास्टिक का स्वाद नहीं उसे आ जाता ना जीवा पर, तब तक उसे चाटते रहता है। लालच, लालची व्यक्ति। कभी कभी क्योंकि इस प्रकार से व्यवहार पब्लिक स्पेस में, मतलब दूसरों के सामने करना उचित नहीं समझा गया है, तो लालच की वजह से आदमी जो है थोड़ा सा कहता है एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा हम अभी आ रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठिए, और कहीं एकांत स्थान में जाकर उसको चाट कर आ जाता है। खास करके जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, उन्हें फिर सिखाया जाता है, नहीं, गुड मैनर्स बैड मैनर्स, कौन से योग्य व्यवहार हैं समाज में, कौन से उचित नहीं हैं, भेद करना सिखाते हैं। कुछ लोगों की गाड़ियों की बहुत लालच होती है, बहुत धन कमा लेते हैं, आप सोचते हैं कि इसका जैसे इच्छा हो वैसे हम इस धन का प्रयोग करें, 15-20 गाड़ी खरीद लेते हैं, मोटरसाइकिल हो कार्स हो, खरीद तो लिए हैं, लेकिन एक समय पर तो एक का ही प्रयोग कर सकते हैं ना। तो लालच से हम सब
भले भांति हम लोग सब जानकार हैं, लालच कोई नई चीज नहीं है समझने में। तो लालच की वजह से व्यक्ति सोचता है ठीक है भाई दुख का कारण होगा तो पहले तो सुख है ना, उसके बाद दुख है, तो समस्या क्या है। तो भगवान समझाते हैं ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि जिस प्रकार से चित चित के साथ साथ पट भी आता है ना, सिक्के का एक भाग होता है चित, दूसरा होता है पट, तो इंद्रिय सुख और दुख योनि ये साथ ही साथ आते हैं, एक के बाद दूसरा नहीं आता कि चलो भाई एक सेकंड के लिए इंद्रिय सुख प्राप्त कर लें और उसके बाद दुख की प्राप्ति हो, एक ही साथ नहीं, मतलब एक के पश्चात दूसरा नहीं, एक ही साथ। कि जैसे ही व्यक्ति इंद्रिय सुख प्राप्त करता है उसके साथ ही दुख का कारण भी आ जाता है, साथ ही साथ पैकेज डील है, एक के साथ एक फ्री। तो दुख योनय एवते, और भगवान समझाते हैं क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है कि जब आप इंद्रियों का सुख प्राप्त कर रहे हो तो उसी समय आपको दुख के भी बहुत कारण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान समझाते हैं क्योंकि जब ये सुख हमें प्राप्त होते हैं तो आते ही ये सुख कहते हैं हम जा रहे हैं, जब ये सुख प्राप्ति होती है तो जब जब तक हमें प्राप्त नहीं हुई है तो वह तृष्णा जो है हमें हमारे मन में एक उल्लास या आप कहिए एक एंटिसिपेशन जिसे कहते हैं ना, कि मन जो है बस एक उमंग मन में भर आता है, उमंग कि अब यह वस्तु हमें प्राप्त होगी और उसके बाद तो बस मतलब जैसे दिन भर आदमी थक जाता है तो सोचता है कि जाकर सीधे कुर्सी में बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ जाएंगे। तो ये जो मन में एक एंटिसिपेशन बिल्ड हो जाता है ना, ये एक उमंग मन में व्यक्ति के बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। वास्तव में ये एक तृष्णा, एक प्यास है। मन जो है कल्पना कर रहा है सुख का, लेकिन अनुभूति जो हो रही है जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है वह है कि हमारा मन कहीं और खींचा जा रहा है, उसको कोई वो आगे मतलब भविष्य काल में जो सुख प्राप्ति होने वाली है उसकी ओर मन खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो ये जो टेंशन है वास्तव में वो व्यक्ति को पीड़ा देती है। तो सबसे पहली बात इस सुख को प्राप्त करना जो है, जो इंद्रिय सुख होता है ना, उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्योंकि मन कल्पना कर रहा है कि वो सुख प्राप्ति होगी, तो जब तक वो सुख मिलता नहीं है तब तक मन में जो ये उमंग है, ये जो एंटिसिपेशन है, उसकी वजह से जो पीड़ा हो रही है, ये जो अभी जो विरह है ना, जो विरह की पीड़ा है कि अभी सुख भविष्य में हमें प्राप्त होने वाले, कुछ समय बाद प्राप्त होने वाले, लेकिन अभी से उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, तो यह जो विरह है इसकी जो पीड़ा होती है ना, वो पीड़ा व्यक्ति को उस वह जो पीड़ा है ना, वो जो अवस्था है उसे तकलीफ तो दे रही है, वो पीड़ित तो है व्यक्ति, लेकिन उसकी उस
उस पीड़ा की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वह कल्पना कर रहा है कि जब सुख उसे प्राप्त हो जाएगा, उस सुखी अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, तब सारा कष्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, मतलब वो स्वीकार नहीं है। तो यह सुख जो है इतने आसानी से प्राप्त नहीं होती है, बहुत ही कठिन होता है यह सुख प्राप्त करना। पीड़ा से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है ना, पीड़ाजनक क्षेत्र से, समय से व्यक्ति को निकलना पड़ता है। अच्छा, अब भविष्य में जिस चीज का हमें इंतजार था, जिसके बारे में हम इतना विचार कर रहे थे, जब वो हमें प्राप्त हो जाती है, तो जैसे ही हमें प्राप्त हो जाती है उसके बाद मन कल्पना करना छोड़ देता है। तो जितना उमंग मन में बढ़ रहा था वो अचानक समाप्त, क्योंकि अब वो प्राप्त हो चुकी है ना वस्तु, या वह क्षण आ चुका है कि भाई आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, आपके पहले चार लोग जा रहे हैं, यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है ना, शरीर में एड्रेनलिन जो है दौड़ रहा है कि कब हम जाएंगे स्टेज पर और सबके सामने जो है हम अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे या ट्रॉफी ले लेंगे, आपके साथ जो लोग हैं वह भी जो हैं बहुत उत्साही हैं, उत्सुक हैं। फिर जैसे स्टेज पर पहुंचते हो क्षण आ जाता है, तो उस क्षण में उसके पूर्व जितना उत्साह था उस क्षण में वो उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि अब आपके हाथ में आ गई है ना, एंटिसिपेशन समाप्त। तो इतने कम समय तक वो सुख वास्तव में रहता है, पहले तो आप सुख के इंतजार में रहते हो, फिर जब वो क्षण आता है कि आपके हाथ में ट्रॉफी दे दी जाए, या वो क्षण आता है कि जो आप सनसेट पॉइंट जाकर सनसेट देखना चाहते थे समय आ गया, आप देख रहे हो उसको, कभी कभी लोग जिस सनसेट को देखना चाहते हैं ना उसे देखते हुए इतने थोड़े से बिविल्डर्ड कहिए, भ्रमिति हो जाते हैं कि दूसरों के, अरे देखो देखो देखो, अरे भाई सुख आपको देखना है कि उनको दिखाना है? आपका सुख सनसेट पॉइंट सनसेट देखने में है कि आपका सुख इसमें है कि दूसरों को भी मैंने दिखाया? मतलब है क्या सुख, या ये सारे सुख एक ही साथ चाहते हैं आप? एक ही साथ सब नहीं प्राप्त होता ना, एक के लिए एक सुख के लिए दूसरा त्यागना पड़ता है। अगर आप सनसेट को देख रहे हैं, आप सूर्यास्त देख रहे हैं या सूर्योदय देख रहे हैं और साथ ही साथ दूसरों को बोल रहे हैं अरे तुम भी तो देखो, तो या तो आपको अपना ध्यान जो है दृष्टि वहां से हटाकर दूसरों के ऊपर डालनी पड़ेगी, या तो आपका मन जो है वहां से हटकर दूसरों की तरफ चला गया है कि वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का अर्थ होता है टेम्पररी, फ्लीटिंग। एक बार वह सनसेट जो है वो क्षण जो भी था, 2 मिनट का 4 मिनट का 2 सेकंड का 4 सेकंड का जो भी था, वो क्षण निकल गया, तो फिर अगले दिन ही आपको पुनः वह अवसर प्राप्त होगा और अगले दिन का अनुभव जो है वो अलग होता है। उस दिन आसमान कितना साफ है, कितने बादल हैं और प्रदूषण कितना है या कम है ज़्यादा है, वायु की गति कैसी है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, सूर्य की किरण जब तक पहुँचते हैं तो आज और कल में अंतर होता है।
कुछ ही क्षणों तक, मतलब एक क्षण भी कह लीजिए, पलक झपकने तक आप कह लीजिए उसे, या एक निमेश तक वो सुख मिलता है और फिर चला गया। तो वो जो निमेश काल तक सुख मिलता है, वास्तव में उस सुख आकर आपको, आपके मन पर दस्तक कर दिया उस सुख ने, खटखट, क्या है भाई, दुख आ गया आपका, तो उस खाली खटखट करने आया, दस्तक करने आया। इसलिए कहते हैं, क्योंकि ये सुख इतना क्षण भंगुर है, कोई भी सुख ऐसे ले लीजिए, जैसे सोचिए विवाह का प्रसंग है, जयमाल, हिंदू संस्कृति में जयमाल होता है, तो जब तक जयमाल की जो का समय नहीं आता है, तब तक मन में बहुत उत्साह रहता है कि जयमाल है, तब तक जो है अलग अलग अस्तित्व है, और मन में विचार आता है कि हाँ पति पत्नी कब हो जाएंगे, ये विचार कर रहे हैं, मतलब एक दंपत्ति। जयमाल होते या पता है कि हो गया, उसके बाद उत्साह के स्थान पर निश्चिंत व्यक्ति हो जाता है कि अब तो हो गई, अब तो हो गया विवाह, मतलब जयमाल हो चुका है, अब हम पति पत्नी हो गए। फिर बाकी समारोह में व्यक्ति ऐसे बैठा रहता है, हाँ उसके पहले भी सगाई उगाई सब कुछ हो गई है, लेकिन जयमाल की एक, उसका एक अलग धारणा है ना। ये सोचिए रजिस्ट्री मैरिज कोई कर रहा है, तो जब तक साइन ना हो जाए, अच्छा वहां पर पहुंचे, पता है कि विवाह करने ही आए, पता है कि एक साथ जो है पति पत्नी बनकर रहने के लिए आए हैं वहां पर, लेकिन जब तक सिग्नेचर नहीं होता, फिर वो जब सिग्नेचर होता तो उस समय कैमरा, उस समय फोटो, मतलब हाथ भाई, आधे सिग्नेचर में भी व्यक्ति साइन करते हुए भी रुक जाता है कि फोटो तो ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, कि रुक जाए थोड़ा सा साइन करते हुए, तो तब तक जो है एक तृष्णा होती है, तब तक एक उमंग होता है, वो हो गया उसका सारा उमंग गायब हो जाता है, अब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। तो निश्चिंत होकर क्या व्यक्ति सुखी है? नहीं, उस पर भी अलग विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज के इंतजार में व्यक्ति जो है इतना उत्साही हो रहा था, जैसे वो प्राप्त हो जाती है वैसे सारा उत्साह खत्म, उमंग खत्म, और जहां पर उत्साह नहीं है वहां पर सुख प्रतीत नहीं होता, जहां पर उत्साह नहीं होता वहां पर सुख प्रतीत नहीं होता। अब ऐसा है थोड़ी है कि आप बोलेंगे जज साहब एक बार और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कि आप दूसरा पेपर दे देंगे सिग्नेचर कर दें, अगर दूसरा पेपर अगर लीगली मिल भी जाता है, लेकिन फिर वो उतना उमंग नहीं रहता ना, क्योंकि आपको पता है पहले सिग्नेचर कर लिया है दोनों ने, तो ये तो सेट हो चुका है। सनसेट एक बार देख लिया है तो फिर आदमी सोचता है हाँ अभी मतलब देख लिया है ना, ठीक है फोटो नहीं लिया तो कल जाना जरूरी है क्या, कोई बात नहीं, अब देख लिया तो ठीक है, पुराना हो गया ना वो, मतलब देखी हुई चीज हो गया, अब उसमें कोई नवीनता नहीं है। तो यह जो सुख की परिभाषा है, यह सुख अत्यंत ही क्षण भंगुर है, मतलब आया राम गया राम, लेकिन चले जाए चुपचाप तो ठीक है, ये आया राम और दुख लाया राम। दुख किस बात का है, दुख कैसे होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अत्यंत कष्ट करना पड़ता है इस सुख को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये क्षण भंगुर है, ध्यान नहीं दिया तो आकर चली भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, चंचल बहुत है। चंचल का अर्थ है सिर्फ आप ही के पास रहेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है,
लगेगा कि आपके पास इस सुख आ रही है और अचानक किसी और के पास चली जाती है। जैसे आप बहुत इंतजार कर रहे हैं कि आपको रसगुल्ला मिलेगा और जैसे ही आप उसे मुंह में डालना चाहते हैं कोई और जो है हाथ से छीन कर खा लेता, खत्म। चंचल बहुत है। आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, आप तक ये सुख पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं है। इस तो दुख योनये वते, इसलिए दुख होता है, इसलिए दुख का कारण बन जाता है। दूसरी चीज, कि जब आपको कुछ सुख मिलता है तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए शायद आपके साथ साथ कुछ और लोग भी आप ही के साथ खड़े हैं, वो भी वही प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपको मिल जाए और आपको मिला है ये देखकर उन्हें अच्छा ना लगे, तो बस आपका सुख जो है अब दुख का कारण बनने वाला है। दूसरों के मन में वो ईर्ष्या, दूसरों के मन में वो जलन, कभी कभी इतनी ईर्ष्या होती है कि लोग बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए था, आपको मिल गए। तो ये जो नकारात्मक एक प्रतिस्पर्धा है ना, नेगेटिव कंपटीशन, ये भी वहां पर उत्पन्न होती है। इसलिए दुख का कारण कहा गया है इसे। तो एक तो स्वभाव से चंचल है, स्वभाव से क्षणिक है, और दूसरा कि ये दूसरों के अन्य लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न कर सकती है, हमारे मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न कर सकती है कि हमें सुख मिला और हमने देखा किसी और को थोड़ा सा ज्यादा मिल गया उसी समय तुरंत, तो अपना सुख भूलकर उसके प्रति ईर्ष्या करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है ना दौड़ में भाग लिया हुआ है, मतलब जो तेज दौड़ होता है स्प्रिंट, 100 मीटर स्प्रिंट डैश, तो सबसे आगे है। अब बस जाकर वो जो रस्सी है उसको छूने ही वाला है, अचानक कोने से उसे दिखाई देता है कि कोई उसके साथ कंधे से कंधे चल रहा है। जैसे ही उसको देखता है कि वो कहां पर है, हार गया, किसी और ने ले लिया उसको। इसे जब ट्रेनिंग दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि कभी ये मत सोचो, जब तक रस्सी नहीं छू लेते तब तक यही सोचो कि आपके आगे कोई है या कोई जा सकता है, इसलिए सबसे आगे आप रहो, पूरा ध्यान लगाओ उसके ऊपर, कहीं और जो है देखो मत, ध्यान भटकाओ मत। ऐसे इस प्रकार से प्रशिक्षण दी जाती है, क्योंकि 10 सेकेंड 12 सेकेंड की बात है, इसमें कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। ध्यान भटकी क्या है? ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ऐसा है वो। तो ईर्ष्या का कारण भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा वो भी जहां पर नकारात्मक भाव हो। तो इसलिए उस सुख को बनाए रखना, उसको स्थायी रखना कठिन हो जाता है,
एक तो स्वयं भी क्षण भंगुर है और दूसरी चीज ये जो प्रतिस्पर्धा होने के कारण उसे स्थायी रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। और यही इस इंद्रिय सुख की परिभाषा जो है भगवान श्लोक में आगे शब्दों में कहते हैं, आद्यंतवंत कौन्तेय। एक आदि है और एक अंत है सुख का, आद्यंतवंत कौन्तेय। आद्यंतवंत का अर्थ क्या होता है? आदिवंत अंतवंत। आदिवंत अर्थात अर्थात इस सुख पर सुख की शुरुआत होने का असर पड़ता है, इस सुख पर सुख के अंत होने का असर पड़ता है। शुरुआत होने का असर क्या होता है कि जैसे उसकी शुरुआत होती है, आप जिस आपके मन में जो उत्साह उमंग उठ रहा था वो वहां पर समाप्त हो जाती है। और अंत, क्योंकि इसका एक अंत है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है सुख पर, साथ ही साथ तुरंत क्या शुरू हो जाती है? चिंता, दुख। कभी आपने देखा है हमारे जीवन में कि जिस चीज की अभिलाषा होती है जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो तुरंत मन किसी और चीज पर भटकने लगता है कि अब ये चाहिए हमें। कभी कभी कुछ पराक्रमी लोग होते हैं या किन्हीं लोगों ने कुछ पराक्रम किया होता है तो उनसे आकर ये सारे रिपोर्टर पूछते हैं ना कि आपको कैसा लग रहा है और इसके बाद क्या, मतलब अभी बेचारे को मिला ही है कुछ, तुरंत आप उसको फिर से दौड़ में लगा दे रहे हो कि इसके बाद क्या करोगे आप। तो आदिवंत अंतवंत आद्यंतवंत कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, इन सुखों की, सुखों का एक एक उसका आदि होता है, उसकी एक शुरुआत होती है और उसका एक अंत होता है, उसकी एक समाप्ति होती है। और क्योंकि इंद्रियों से उत्पन्न है यह सुख, तो यह आदि और अंत जो है, मतलब ऐसे समझिए कि बस बहुत ही करीब होते हैं, दोनों के बीच में ज्यादा समय नहीं होता है। तो ऐसा जो सुख है जिसके बारे में हम चर्चा करते हुए जब ये चर्चा कर रहे हैं, वो तो सुनकर ही आदमी इतना थक जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि कैसा सुख है भाई, इंद्रियों का जो सुख है कैसा सुख है। उस सुख के पीछे क्यों मन लगाएगा व्यक्ति? इसलिए भगवान कहते हैं, न तेषु रमते बुद्धः। तो यह जो प्रश्न है ना, जो भी हम कर रहे हैं कि यह जो सुख का स्वरूप है, ऐसा अगर सुख का स्वरूप है तो इस सुख को व्यक्ति सुख मानेगा कैसे? और मान भी लिया तो व्यक्ति उसके पीछे दौड़ेगा क्यों? क्योंकि कितना जो सुख की एक हम जो उसकी कल्पना करते हैं उससे अधिक तो उसकी उसका कष्ट है उसमें, उससे अधिक तो कष्ट करना पड़ता है उस सुख के लिए। तो आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुद्धा। और दुख योने एवते, अर्थात उसके बाद दुख की श्रृंखला शुरू होने वाली है। कोई भी इंद्रिय सुख, चाहे वो बहुत ही एकदम बिनाइन हो, मतलब साधारण सा सुख हो, या चाहे वो बहुत ही प्रसिद्ध कोई क्षण हो जो
जो आपको सुख दे रहा है, उसके बाद आपको उसका दुख प्राप्त होना है। ऐसे साधारण सी चीज है कि सोचिए, लालच की वजह से व्यक्ति जो है ना, जब गुलाब जामुन खा रहा है तो साथ में चम्मच भी चाटने लगता है कि उसमें से, क्योंकि लालच है। या सोचिए, आलू टिक्की खा रहा है तो उंगलियां चाटने लगता है कि उसमें भी कुछ लगा हुआ हो, थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ हो, या उंगलियों पर उस टिक्की का कुछ स्वाद फ्लेवर अभी भी हो तो चाटने लगता है। अब देखिए, आप चाट रहे हैं तो उसकी वजह से होता क्या है? आपको तुरंत ध्यान में आता है कि भैया मन भरा नहीं लेकिन जेब खाली होने वाला है, और तुरंत चिंता आ जाती है मन में। हाँ, अगर सोचिए बहुत पैसा है, उस दिन आप बहुत दिलदार हो गए, मतलब उदार दिल, जितना चाहिए उतना आप खिला भी रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, एक व्यक्ति ने कह दिया कि क्या बात है भाई, बड़ा कंजूस हो, या कहीं आपके मन में भी ये बात आ गई कि सब खा रहे हैं, मुझे भी, मेरा ही पैसा है भाई, मैं भी उतना ही खाऊं। इसलिए जो ऐसे लोग जो है ना, जो हमेशा बहुत ही जिनका जीव चटपटा रहता है, तो इस प्रकार का दुख ना आवे। जानते हैं कि अगर कुछ अलग से नहीं करेंगे तो मन ऐसा विचार करेगा ही, सब कितने खदोड़े हैं भाई, मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं तो खुलेआम खा रहे हैं। अब सोचिए कोई और पैसा खर्चा कर रहा है तो हम भी तो ऐसे खाते हैं कि भाई मुफ्त मिल रहा है, जितना चाहिए उतना खा लो पहले, तो चिंता ये रहती है कि कितना खाओ क्योंकि मुफ्त में है। दूसरे खा रहे हैं तो मन में चिंता आती कि कितना खाएंगे। अकेले खा रहे हैं तो मन में चिंता आती कि भाई खा रहे हैं लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें पूरा पैसा लगा देंगे तो कुछ और खाने की इच्छा होगी, वो नहीं खा पाएंगे। तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि हाँ और क्या है दिखाओ, और क्या है दिखाओ। तो जो खा रहे हैं वो तो आपका मन पसंदीदा चीज़ है ही, लेकिन फिर भी मन कहता है और क्या है, क्योंकि अभी पैसा खर्चा करना है। और कभी कभी पैसे खर्चे करने में आपको चिंता होती है कि खाने की तो इच्छा है लेकिन पैसा जा रहा है भाई, इतना पैसा खर्चा करें कि नहीं करें। तो उस समय ही इतने सारे जो हैं चिंता के विषय मन में आ जाते हैं, उस समय ही आ जाते हैं चिंता के इतने विषय। तो दुख योने एवते, कहां से हम चले गए उस चाट भंडार में, कहां से हम चले गए उस सनसेट पॉइंट में। अच्छा, वो सनसेट पॉइंट देख लिया, हाँ वो 2 मिनट के लिए हो गया। कभी कभी तो आदमी 2 मिनट के लिए भी नहीं, 2 सेकंड देखकर फिर पूछने लगता है, हो गया जी चलो निकलते हैं यहां से। बाकी लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं बैठो बैठो, अरे बैठो क्या हो गया ना, देख तो लिया, अब क्या देखना है। और या अगर वो देख लिया तो कभी कभी आदमी जो है ना उसको और देखने के प्रयास में बगल वाले को ढकेल कर उसके जगह आकर खड़े होना चाहते हैं कि हाँ यहां से ठीक से नहीं दिख रहा है, आपको ढकेल कर वहां पर हम खड़े रहना चाहते हैं। तो उसकी चिंता मन में लगी रहती है कि कहाँ हम साइडवेज चले जाएं, बगल में और खिसके ताकि उसको और देख सके। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसी को कष्ट कहा गया है, इसी को दुख कहा गया है। तो न तेषु रमते बुद्धः। अब इतनी चर्चा करने के बाद थोड़ा बहुत तो हमें भी लगेगा कि हाँ भाई, मतलब इतना कह दिया है तो पता नहीं सही है कि नहीं है। रोहिणी प्रिया दास जी ने इतना कह दिया है, अब पता नहीं कि सही है या नहीं है, लेकिन सुनने के बाद तो लग रहा है ना कि सर भारी हो गया भाई। सुनने के बाद तो लग रहा है कि कहाँ है सुख संसार में।
है ना। तो बुद्धः, बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसमें रमण नहीं करता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो अपना मन उसमें लगाता नहीं है। तो ये जो आत्मन का सुख होता है या अंतःकरण का सुख होता है वो कैसे होता है, उसकी परिभाषा कहीं और की जाएगी। आज उसकी परिभाषा नहीं करेंगे क्योंकि आज के श्लोक से वो संबंधित नहीं है, लेकिन पिछले श्लोक में कहा गया है कि वह अक्षय सुख है। अक्षय सुख का अर्थ होता है उस सुख से दुख की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह सुख अक्षय है, वह सुख जो है क्षणभंगुर नहीं है, वह नित्य सुख है। तो एक तरफ यह भौतिक सुख है जो क्षणभंगुर है, जिससे अन्य कुछ और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जब तक उस सुख प्राप्त नहीं होता है तब तक मन में उमंग होता है, उत्साह होता है, प्राप्त होते ही वह उमंग उत्साह जो है समाप्त हो जाती है ना। स्टेज पर जैसे ही हमको सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद जब स्टेज छोड़कर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी क्या उसे कहते हैं, काला पानी की सजा मिल रही, मतलब ऐसा लगता है कि अंधेरे में कहीं उतर के व्यक्ति जा रहा है, क्योंकि सारा स्पॉटलाइट अब हमसे हट गया है ना, किसी और पर सारा स्पॉटलाइट चला गया है। तो स्टेज से उतरते समय एकदम अचानक सन्नाटा लगता है व्यक्ति को, एकदम अचानक। फिर नीचे उतरते ही फिर जो भी आपके मित्रगण हैं उनके बीच में फिर से एक नया सुख, क्योंकि उनको दिखाने में फिर से एक नए नया इंद्रिय सुख का निर्माण होता है। तो ये श्रृंखला चलते रहती है संसार में, आद्य और आदिवंत अंतवंत, आदि अंत का शुरुआत है, अंत है, शुरुआत है, अंत है, शुरुआत है। बस कोलों की बैल की तरह हम जो है घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, बंधे हुए हैं एक खूंटे से और एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं। हाँ भाई, ये कौन सा सुख है, ये कौन सा सुख है, ये कौन सा सुख है, घूम रहे, चक्कर लगा रहे हैं, उसी चक्रव्यूह में ही फंसे हुए। तो न तेषु रमते बुद्धः, भगवान समझाते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है इन कारणों के लिए रमते, उसके लिए पागल नहीं होता है, उसके पीछे दौड़ता नहीं है। तो फिर किस चीज पर क्या करता है वो व्यक्ति, इसकी चर्चा पिछले श्लोक में की गई। वह व्यक्ति जो है अपने अंतःकरण का जो सुख है उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह कैसा सुख है, अक्षय सुख है। तो इसलिए अर्जुन जी से भगवान कहते हैं, यहाँ ये अध्याय है ना कर्म संन्यास योग, कि अगर वैराग्य की भावना रखते हुए व्यक्ति कर्म करता है तो इन सारे सुख और दुख की अवस्थाओं से व्यक्ति बच सकता है। और इसी प्रकार से कर्म करने करते हुए व्यक्ति जो है, क्योंकि विरक्ति है ना उसके मन में, वैराग्य है, तो किसी चीज से आसक्त नहीं होता है और मन उसके जो अंतर चेतना है उसके प्रति लग सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः एक बार फिर से हम जो अनुवाद है आज के श्लोक का उसे पढ़ेंगे। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। संसर्ग भौतिक इंद्रियों के साथ जुड़ने से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। वो आते और जाते रहते हैं। चतुर व्यक्ति जो है निश्चिंत रहता है, उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, अनासक्त रहता है ना, उसमें लिप्त नहीं हो जाता।
लिप्त किस में होता है? भगवान के चिंतन में लिप्त होता है। यस्य भक्तेर भगवती हरो निश्रेयस शेश्वरे विक्रीडितोम अमृतांबोधौ किं शुद्रै खाटकोदकैः। यह वृत्रासुर के प्रसंग में इंद्र जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में युक्त तो हो गया है, यस्य भक्तेर भगवती हरो निःश्रेयस शेश्वरे, निःश्रेयस श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है सबसे ऊंचा गंतव्य, जो जो लक्ष्य आपके लिए योग्य है, श्रेय कहा गया उसको। निःश्रेयस मतलब ऐसा कार्य, श्रेय का अर्थ होता है ऊंचा, नहीं कहेंगे, कहेंगे कि लक्ष्य, श्रेय लक्ष्य। कभी कभी कहा जाता है ना किसी चीज का श्रेय किसी को मिल रहा है, मतलब उसे उसकी उसका फल प्राप्त हो रहा है, तो फल। लेकिन श्रेय जो होता है ना, श्रेयस सीमित होता है, तो निःश्रेयस मतलब असीमित, असीमित या सबसे ऊंचा निःश्रेयस ईश्वर है, जिसके पास ऐसा सुख है, जिसके पास ऐसा गंतव्य है, ईश्वर, जो ईश्वर मतलब नियंत्रक, जिसके नियंत्रण में यह स्थिति है कि सबसे ऊंचा गंतव्य वो आपको प्रदान कर सके, हराओ, वो भगवान हरि है। तो भगवान हरि की जो भक्ति करता है, जो आपको सबसे ऊंचा लाभ दे सकते हैं या जो सबसे शुभ अवस्था है वो प्रदान कर सकते हैं, विक्रीडितो अमृतांबोधौ, तो वह व्यक्ति जो है अमृत सागर में विक्रीडितो, अमृत सागर में वह व्यक्ति जो है स्थित हो जाता है, वहां पर वो क्रीड़ा कर रहा है, है ना, अमृत समुद्र में वो क्रीड़ा कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए किम क्षुद्रे खाटो को उदकय का अर्थ होता है मतलब छोटे छोटे गड्ढों में जब जल इकट्ठा हो जाए, छोटा छोटा गड्ढा जो होता है, तो उसमें जो जल इकट्ठा होता है, ऐसे जल से क्या लेना देना है, मतलब ऐसे सुख से क्या लेना देना, जब व्यक्ति सुख के समुद्र में क्रीड़ा कर रहा है। तो इंद्र जी इस प्रकार से वृत्रासुर जी के संबंध में कह रहे हैं, यस्य भक्तिर भगवती हरो निःश्रेयस शेश्वरे विक्रीडतोमृतांबोधौ किं शुद्रै खाटकोदकैः। वही अर्थ निकल रहा है जो आज के श्लोक में है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपके प्रश्न जो हैं हम तक पहुंचा दिए जाएंगे। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीन बार फिर से हम जो है महामंत्र का उच्चारण करेंगे, तब तक कोई प्रश्न हो तो कृपया करके लिखकर भेज दीजिएगा, अन्यथा यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आपसे फिर कल सवेरे प्रातः काल मिलते हैं 7:15 बजे श्रीमद् भागवत क्लास में। हरे कृष्णा।